क्या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना नॉर्मल चीज़ है? नहीं, बिल्कुल अबनॉर्मल चीज़ है। बार बार यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है तो यू हैव टू, दिस इज़ अ अलर्ट साइन, आपको चेकअप कराने का, आपको पता करना चाहिए कि आखिर आपको बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। मैम, यूरिन संक्रमण क्या होता है? यूरिन के अंदर यानी कि पेशाब में जो इन्फेक्शन हो जाता है, यानी आपको यदि जलन हो रही है, बार बार यूरिन पास हो रहा है, यूरिन पास करने के बाद आपको एक क्रैम्पिंग पेन हो रहा है, बहुत लोअर एब्डोमेन में बहुत जोर से पेन आता है या क्रैम्प आता है, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI और यूरिन का इन्फेक्शन। हम अगला सवाल है कि यूरिन संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं? अभी अभी मैंने जैसे बता ही दिया ऑलरेडी, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आपको उसके सिम्टम्स पता होंगे। सिम्टम्स ये कि यदि यूरिन बार बार आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में या पेट के निचले हिस्से में जिसको कि पेटू का दर्द भी बोला जाता है, या यूरिन पास करते टाइम उसमें कोई स्मेल आ रही है और यूरिन पास करने के बाद एकदम ज़ोर से क्रैम्प आता है या पेट के अंदर जलन लगती है, दैट इज़ मोटा मोटा जो 3-4 मोस्ट कॉमन सिम्टम है यूरिन इन्फेक्शन के, वो यही है। अब अगला सवाल है कि यूरिन संक्रमण कैसे होता है? यूरिन इन्फेक्शन होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन कारण है वो इम्यूनिटी का डाउन हो जाना है, कि जैसे कभी भी आपको जैसे स्ट्रेस हो रहा है, एन्जाइटी है, या फिर आप पानी कम पी रहे हैं, या फिर काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कहीं पे, तो आप प्रॉपर टाइम पे यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर यूरिन पास करने के लिए आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ऐसी स्थिति में कई बार यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा यानी कि जो ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली जहाँ से बाहर खुलती है, जो पेशाब की नली जिसे बोलेंगे यूरिथ्रा बोलते हैं, उसका लेंथ कम होने के कारण यूरिन में इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। मैम, इसके अलावा और क्या कारण रहते हैं यूरिन इन्फेक्शन होने के? यूरिन इन्फेक्शन के जैसे किसी को पथरी होती है तो उसको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी के पेशाब की नली में या उसका जो बच्चेदानी खिसकी हुई है, उसके साथ पेशाब की थैली खिसकी हुई है, जैसे कि सिस्टोसील बोलते हैं, जिसमें कि यूरिन इकट्ठा हो जाता है, या कोई ऐसी बीमारी हो रखी है जिससे कि वो यूरिन की जो ब्लैडर है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यानी पूरा खाली नहीं हो रहा, उसमें रेजिडुअल यूरिन रह रहा है, उसमें पड़े पड़े यूरिन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, या फिर किसी किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई एबनॉर्मेलिटी है, वो कारण हो सकता है। एक हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं कि यानी जिस किसी किसी की लेडीज़ की जिसकी नई शादी हुई है और अभी अभी उन्होंने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू की है, तो उसके कारण भी कई बार इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है।